मोदी सरकार विकास का दावा करते नहीं थकती है, यहाँ तक कि उनके मंत्री भी देश में प्रगति का राग अलापते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक ने जो आंकड़े पेश किए वो देश की प्रगति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यहाँ तक कि अब तो छोटे देश भी हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, जिसमें सवाल उठता है कि क्या मोदी राज में देश आगे बढ़ रहा है या पिछड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। विकास, ये शब्द पीएम मोदी की जुबान पर चढ़ा रहता है। वो हर मंच से विकास का ऐसा नारा लगाते हैं मानो देश विकासशील से विकसित बन गया हो। वो कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, विकास का ऐसा काम किया जिससे देश का नाम हो गया। लेकिन पीएम मोदी के दावे से उल्टे आंकड़े ऐसे सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ने की बजाय गर्त में जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को 2020 में 131वां स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में 189 देशों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल थी। इसके अलावा बांग्लादेश में लोगों की जिंदगी जीने की संभावना 72.6 थी। दरअसल मानव विकास सूचकांक किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर का मापन है, जिसमें भारत विकास सूचकांक में नॉर्वे का स्थान सबसे ऊपर रहा। उसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड को जगह दी गई। यूएनडीपी के रेजिडेंट प्रतिनिधि शोको नोडा ने कहा कि भारत की रैंकिंग में गिरावट का ये अर्थ है कि भारत ने अच्छा नहीं किया, वहीं अन्य देशों ने बेहतर किया है। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि देश में विकास का नामो निशान तक नहीं है। जो दावा पीएम मोदी करते हैं वो केवल कागजों में है, जबकि हकीकत में देश अब भी विकास की राह तक रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।